अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 139। और आज के लेसन हम ड्रॉ करेंगे एक 3D रूटर ब्लेड विद द हेल्प ऑफ स्वीप एंड हेलिक्स कमांड। आज के लेसन में हम 3D रूटर को डिज़ाइन करेंगे और इसमें स्वीप कमांड, हेलिक्स कमांड, इसके अलावा इंटरसेक्ट कमांड, सब्ट्रैक्ट कमांड, काफ़ी सारी 3D मॉडलिंग की कमांड्स हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो हमने रूटर डिज़ाइन करना है, तो आप देखें ये 3D रूटर हमने डिज़ाइन करना है जो कि मैकेनिकल मशीनरीज वगैरह में लगा हुआ होता है, उनके मैकेनिकल इक्विपमेंट को कूलिंग फॉर्म करने के लिए भी लगा हुआ होता है, देख सकते हैं। और इसी तरह का आपका प्रोसेसर फैन होता है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वो भी आपका लगा होता है जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेसन में ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करके मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा। ओके, देखें यहाँ पे भी बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, सी एंटर, मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ और 10 इसको मैं रेडियस देता हूँ। एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ से मिड पॉइंट में से, और इसको रेडियस में 2 दूंगा। एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फिर एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कुछ फासले भी आप। ओके, ट्रिम, टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दें, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दें। आर्क लें, ए एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आर्क लेके इसको थोड़ा सा इस तरह का शेप दे दें। ओके, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, अब मैं इसको ट्रिम करूँगा, टी टी आर डबल इंटर, ट्रिम कर दिया। फिलेट देता हूँ एफ इंटर, रेडियस देता हूँ आर इंटर, रेडियस 3 देता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक फिलेट इसको कर देता हूँ। फिर फिलेट चूज़ करूँगा एफ इंटर आर इंटर, और रेडियस को देता हूँ 1.5। यस, यहाँ तक ये ड्रॉ हो गया। सर्कल लेता हूँ, सर्कल से पहले मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन के लिए जे एंटर, और सारे को सिलेक्ट करके स्पेस स्पेस करेंगे, ज्वाइन हो गया। सर्कल करें, यहाँ से ड्रॉ करें, इस कॉर्नर से ड्रॉ करें, और इसको इस कॉर्नर पे जोड़ दें। ओके, अब इसको 3D में लेके जाता हूँ मैं, 3D में लेके आ गया। 3D में लाने के बाद अपने यहाँ से हेलिक्स कमांड यूज़ करनी है। हेलिक्स, हेलिक्स के लिए एच एंटर करता हूँ मैं, एच ई एल शार्ट कमांड है, और इस सर्कल से आप हेलिक्स कमांड ड्रॉ करें, यहाँ से इस पॉइंट तक। ये इसका बॉटम रेडियस, टॉप रेडियस भी आप इतना ही दें। हाइट में आप ट्विस्ट के लिए टी एंटर करेंगे, कह रहे हैं एंटर नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न आपने देने जी यहाँ पे 0.35 एंटर, और हाइट इसको दे दें 5 एंटर। ओके, यहाँ से आप इसे थोड़ा सा रोटेट करें ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि कहाँ से हमने ये लाइन ये अपने हेलिक्स अप्लाई किए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आप यहाँ से एल एंटर करें, इस कॉर्नर से F8 प्रेस करें ऑर्थो मोड ऑफ करने के लिए, F8, और इसको यहाँ पे इस पॉइंट में आप जोड़ दें। ओके, अब यहाँ पे स्वीप कमांड आपने यूज़ करनी है। स्वीप कमांड के लिए आप यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करें, और यहाँ पे स्वीप कमांड पे क्लिक करें, और यहाँ से आप इसको स्वीप कर दें। इसको स्पेस प्रेस करता हूँ, क्लिक स्पेस प्रेस करके यहाँ से इसको स्वीप कर लेता हूँ। देखिए स्वीप हमारे पास अप्लाई हो गया। देखिए अब यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए आप THICK लिखेंगे, थिकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप देखें इसको सिलेक्ट करके स्पेस, और इसको आप थिक दे दें 0.2 देता हूँ, मैं देखता हूँ कितना होगा। ओके, 0.2 सही है, यहाँ से आपने 0.2 थिकनेस को दे दी। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करें इस तरह, और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करें, आर ओ एंटर, रोटेट के लिए आपके पास आर ओ एंटर स्पेस सिलेक्ट करें, और इसको यहाँ से इस पॉइंट से रोटेट करें थोड़ा सा। F8 प्रेस करें, यहाँ तक मैं इसको रोटेट कर लिया, सही है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह मूव करें, मूव करने के बाद एक्सट्रूड कमांड आप अप्लाई करें, एक्सट्रूड कमांड यहाँ से अप्लाई करें,
प्रेस पुल कमांड से भी आप काम कर सकते हैं। एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करता हूँ स्पेस और उसे एक्सट्रूड करके ऊपर ले आता हूँ यहाँ तक। ओके देखता हूँ अब यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड ये इलास्टिक में जाके, यस सही है। अब यहाँ से आपने करना है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट कमांड आपने यूज़ करें। सब्ट्रैक्ट के लिए एस यू एंटर इसको सिलेक्ट करें, स्पेस सॉरी स्पेस नहीं प्रेस करना, एस यू एंटर इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको सिलेक्ट करें और स्पेस प्रेस करें। इंटरसेक्ट कमांड है, सब्ट्रैक्ट नहीं है सॉरी, इंटरसेक्ट आई एन इंटरसेक्ट के लिए होती है। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस कर लें। ओके यहाँ पे देखें हमारे पास सरफेस बन गया, आप देख सकते हैं 3D सरफेस आपको ड्रॉ नज़र आ रहा होगा। सरफेस के बाद आपने क्या करना है, इसको भी प्रेस पुल कमांड की मदद से इसको थोड़ा सा मूव करें टॉप। ओके यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से अपने एक स्फीयर शेप लें, ओके यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें जो जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए, मूव करें इसको और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए इसको डिलीट कर दें, कंट्रोल जेड डिलीट। ओके अब यहाँ पे फिलेट कमांड आपने यूज़ करनी है, इनके ये जो इसके ये इनको आपने फिलेट करना है थोड़ा सा राउंड करना है, उसके लिए एफ एंटर करें। एफ एंटर करने के बाद आप इसको 0.3 एंटर सेलेक्ट करें, इसको स्पेस सॉरी एफ एंटर आर एंटर और 1.5 है तो आप इसको 1.5 उसका था, इसको आपने देना है 0.2 एंटर स्पेस 0.2 दें और यहाँ से आप इसको फिर इट अप्लाई करके देखें, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप इसका साइज थोड़ा सा कम कर दें। देखो फिर इट नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ से दोबारा करें, वन करें एफ एंटर आर एंटर और 0.1 एंटर करता हूँ मैं। नहीं हुआ फिर एफ एंटर 0.05 करता हूँ, एफ एंटर आर एंटर 0.05 एंटर। एफ इंटर आर एंटर 1 एंटर यस 1 में देखें सही हो गया। यहाँ पे देखें 1 के तो 1 से कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन 1 बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि सही है 1 से तो 1 यस 1 से ठीक है, 1 ही दे दें आप इसको फिलेट। ओके अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आप एरे कमांड अप्लाई करें, पोलर एरे कमांड अप्लाई करें और इसको सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करके यहाँ से आप इसके मिड पॉइंट से आप एरे दे दें और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है 6 हैं तो आप इसको नंबर ऑफ टर्न 3 दें। ओके यहाँ पे देखिए बस ये ड्रॉ हो गया हमारे फिगर, देख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारे पास ये शेप ड्रॉ हुई है। अब यहाँ से अपने कलर देने के लिए आप यहाँ पे लेयर बनाएंगे, लेयर बनाएं एक ही लेयर बनाता हूँ, इसको कलर यहाँ से चूज़ कर लें आप, जो कलर आपको अच्छा लगता है आप वो कलर ले दें, ब्लू कलर लेता हूँ। ओके ओके ब्लू कलर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको क्लोज करें, इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट को प्रेस करके, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, तीनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से लेयर वन में चले जाए, देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट कर लें
मैं देखता हूँ यहाँ से उसको सिलेक्ट करके मैं एक्सेंटर करता हूँ। सही है, आप सारे को सिलेक्ट करके एक्सेंटर करें ताकि इसके फ्रंट में आपके पास ये कलर आ जाए ना। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ ओके, ताकि शेप अच्छी सी लग जाए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से टॉप में इसको सिलेक्ट करें। आप देखिएगा इसका कलर कैसा आता है, देखें ज़रा, तो कलर भी नज़र आ रहा है आपको कैसे, शेप भी अच्छा सा इसका बन गया। तो ये जी 3D रूटर फैन है, देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।